अरे हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो और एक बार मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज है हमारा डे 3। ओके क्वेश्चन मार्क। जो लोग नए हैं वो सोच रहे होंगे कि ये डे 1 डे 2 डे 3 क्या है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी वाली, उस पर क्लिक करो, वो है अपना डे 1, उसमें सब समझाया वाला मैंने, तो आप वो देख लो। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा हाउ टू वॉल स्पिन। वॉल स्पिन कैसे करते हैं, तो आप सोच रहे हो कि वॉल स्पिन क्या है, तो दिखाता हूँ। सो गाइस, देखा आपने, ये थी हमारी वॉल स्पिन। और एक गुड न्यूज है आपके लिए, आई कैन डू वॉल फ्लिप बाय बोथ साइड। मैं वॉल फ्लिप दोनों साइड से कर सकता हूँ, राइट भी और लेफ्ट भी। इसमें राइट साइड वालों का बेनिफिट है क्योंकि बहुत कम ट्यूटोरियल है जो दोनों साइड से ट्यूटोरियल बताते हैं। सो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, वॉल स्पिन सीखने के लिए आपको क्या क्या चीजें लगने वाले हैं, अभी मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। कौन से थिंग्स आपको जरूरी है। नंबर वन है कार्टव्हील। सो पहले आपको दिखाता हूँ लेफ्ट साइड से। ओके ये रही कार्टव्हील लेफ्ट साइड से। ओके अभी दिखाता हूँ राइट साइड से, ये है कार्टव्हील। ओके नंबर टू, पंच जंप। पंच जंप क्या है, भागते हैं, जंप, बहुत इजी है, कुछ नहीं, रन अप लिया, दोनों पैरों को ज्वाइन किया और जंप, देखो जंप। नंबर थ्री, सबसे इंपॉर्टेंट, पाम स्पिन। वॉल स्पिन नहीं, पाम स्पिन। ओके चलो दिखाता हूं। तो गाइस, पाम स्पिन है क्या, कुछ नहीं, बस कार्टव्हील और अपने पंच जंप को कंबाइन कर दिया, तो उसके बाद आपको मिलेगा पाम स्पिन। और वो दिखता कैसा है देखो, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक ऐसी हॉरिजॉन्टल अच्छी जगह, ठीक है, वर्टिकल नहीं, वॉल वाली, तो वो हो जाएगी वॉल स्पिन। ये है पाम स्पिन, कुछ नहीं, जब पंच करना है ऐसे इसमें, और पाम को ऐसा रखना है, ठीक है, और यहां से पैरों को निकालना है। एक बार देखिए, ओके एक बार स्लो मोशन में देखिए। सो गाइस, ये थी अपनी तीन चीजें जो हमें वॉल स्पिन के लिए जरूरी है। बाय द वे, अगर आपको पाम स्पिन नहीं समझा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी वाली है, वहां पे पाम स्पिन को डिटेल में बोले वाला है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी बढ़ते हैं हमारे वॉल स्पिन के प्रोग्रेशन की तरफ। चलो अभी बढ़ते हैं हमारी वॉल स्पिन के प्रोग्रेशन की तरफ। सो रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके लिए, एक अच्छी दीवार, ओके एकदम अच्छी दीवार जहाँ पे आपकी हाथों की ग्रिप बैठ सकती है, ठीक है, स्मूथ सरफेस नहीं, अच्छी रफ सरफेस वाली, नहीं तो और आप एक हंधे अच्छे पेड़ पे भी कर सकते हो, ओके जो पेड़ ऐसा स्लंट हो, ओके सो आई थिंक बेटर रहेगा स्लंट पेड़ पे कीजिएगा, सेफ भी होगा और इजी भी जाएगा, ठीक है। सो अभी देखिए क्या करना है, अभी देखो क्या करना है, ठीक है। स्टेप नंबर वन आपको आके सिर्फ रन अप लेना है, ओके जजमेंट, ओके हाँ। स्टेप नंबर टू, जजमेंट हो गई, आप क्या करना है, रन अप लिया, बस आप डायरेक्ट तो नहीं कर पाओगे, तो एक हाथ आपका जमीन पे और एक हाथ वॉल पे, और क्या करना है, बस सेम अब जो लेफ्ट साइड से करेंगे उनके लिए एक जमीन पे सेम, ओके ये थी स्टेप नंबर टू। सो गाइस, स्टेप नंबर थ्री, कुछ नहीं, बस जाके सीधा अटेम्प्ट कर देना है, ये क्या डरने जैसी चीज नहीं, ये बिगिनर लोगों के लिए, ठीक है। सो बहुत इजी है, डरना नहीं है। तो अभी आपको दिखाता हूँ स्लो मोशन में और अलग अलग एंगल में, सो देखिएगा कुछ अलग करेंगे। तो ये था अपना डे 3 का वीडियो। आई होप आपने सबने वीडियो एंजॉय किया और लास्ट तक देखा, और आप मोटिवेट हो गए होगे ये देख के कि भाई अब मैं उठ के मैं भी ट्राई करूँगा। यार डरने सा कुछ भी नहीं, बहुत इजी मूव है, आपके लिए बनाया वाला है, और बस एक बात याद रखो, सेफ्टी के साथ करो और ये वाले मूव को अचीव कर लो। सो ये था अपना डे 3 का वीडियो। तो देखते हैं कल का वीडियो डे 4 का क्या है, वो सरप्राइज है।
तो बाय बाय और गुड नाइट गाइस।